और अब शुरू करते हैं लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट का उद्घाटन किया। दौरान मंच पर राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट में सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में व्यापार की अपार संभावनाएं हैं और सरकार छोटे उद्योगों पर खासा ध्यान दे रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की छवि सुधारना हमारा लक्ष्य है। हमने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2017 में काम शुरू किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में योजना आगे बढ़ रही है। यूपी का हर जिला अपने आप में खास है। उन्होंने कहा कि इस योजना से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत कई कंपनियों के साथ करार किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से कई जिलों को आगे बढ़ाया जा सकता है और ब्रांडिंग के जरिए यूपी के उत्पाद बड़ी पहचान बना सकते हैं। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रांति आएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के बाद पलायन काफी कम हो जाएगा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम से गाजियाबाद के उद्यमी भी जुड़े। उद्यमियों को सरकार की योजनाओं की ऐसी ऐसी जानकारियां मिली ताकि वो अपना उद्योग जमा सके और उसका विस्तार कर सके। यहां कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर गाजियाबाद में केंद्र राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद रहे और सरकार की तमाम परियोजनाओं के बारे में उद्यमियों को विस्तार से बताया। साल 2015 के तथाकथित अवार्ड वापसी पर प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने खुलासा किया है। विश्वनाथ तिवारी ने कहा कि अवार्ड वापसी आंदोलन राजनीति से प्रेरित था। बिहार चुनाव से पहले मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, इसके लिए बकायदा अभियान चलाया गया था। 2019 के आम चुनाव से पहले अखिलेश यादव एक बार फिर लोगों के बीच जाने वाले हैं। इस महीने के आखिर में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा शुरू होगी। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की शुरुआत कन्नौज की ठटिया मंडी से होगी, जहां से वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी तक लगभग 50 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकालेंगे। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा को नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में जन्मा बच्चा खजांची और उसके परिजन हरी झंडी दिखाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यात्रा का समापन एक्सप्रेसवे पर जन्मे बच्चे टीपू और उसके परिवार की मौजूदगी में होगा। अखिलेश यादव अभिन्न परिवारों को भी अपनी साइकिल यात्रा से जोड़ रहे हैं। नोएडा गाजियाबाद में जर्जर और अवैध इमारतों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान एक विधायक को रास नहीं आ रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को खत लिखा। उन्होंने सीएम योगी से अवैध इमारतों के खिलाफ अभियान रोकने की मांग की है। सुनील वर्मा का कहना है कि इतने भवनों को तोड़ना व्यवहारिक नहीं है। विधायक सुनील वर्मा का तर्क है कि शहर में अब तक 500 इमारतें तोड़ दी गई हैं, जिनकी कीमत करीब 1000 से 1500 करोड़ रुपए है और राजस्व की भी बड़ी हानि है। सरकार को भवन मालिकों से सरकारी फीस लेकर उन्हें अनुमति दे देनी चाहिए। इसके साथ ही विधायक ने पूछा है कि आखिर जीडीए के उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिनकी वजह से यह अवैध निर्माण हुआ। फैजाबाद में बीजेपी विधायक के रिश्तेदार से हुई मारपीट का वीडियो सामने आया है। घटना 30 जुलाई रात की है। आरोप है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरजीत सिंह के गनर और रिश्तेदार ने मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा के घर धावा बोला और विधायक की बुआ के बेटे करण को बुरी तरह पीटा। एक मामले में 1 अगस्त को FIR दर्ज हो गई थी, मगर अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सभी आरोपी फरार हैं। SSP ने सरकारी गनर दिग्विजय सिंह को निलंबित भी कर दिया है। बीजेपी विधायक के रिश्तेदार पर हुए हमले पर विधायक के पिता ने बड़ा बयान दिया है। विधायक बाबा गोरखनाथ के पिता हरीशचंद्र का कहना है कि हम दलित हैं, इसीलिए उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जाता है। हमें अपनी सरकार पर भी भरोसा नहीं है। योगी सरकार में भी छोटी जाति के विधायकों को परेशान किया जा रहा है। घटना के 10 दिन बाद भी कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। नोएडा के सेक्टर 82 की स्वर्णिम विहार सोसाइटी में एक बच्चे के करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चा बुधवार शाम को सोसाइटी के पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान पार्क में लगे पोल के संपर्क में आने से बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई।
करंट लगने से मौत की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चे के पिता इंजीनियर हैं और विदेश में काम करते हैं। वहीं परिवार ने इस बारे में अब तक कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वहीं जब इस बारे में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ आलोक टंडन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर घटना के लिए अथॉरिटी को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। जल्दी नोएडा सेक्टर 71 से लेकर ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो दौड़ने लगेगी। एनएमआरसी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। 10 सितंबर तक इस रूट के सिग्नल्स का ट्रायल खत्म हो जाएगा और उसके बाद सितंबर अंत तक सीएमआरएस से जांच पूरी कर ली जाएगी। आज डीएमआरसी और एनएमआरसी के बीच एक एमओयू भी साइन किया गया जिसके तहत डीएमआरसी मेट्रो के चलाने और मेट्रो के रखरखाव के लिए एनएमआरसी के रखे गए 100 अधिकारी और पर्यवेक्षक को एक साल तक ट्रेनिंग देगा। ये पर्यवेक्षक नोएडा सेक्टर 71 और ग्रेटर नोएडा डिपो मेट्रो के संचालन के लिए ट्रेनिंग लेंगे। एनएमआरसी के सीईओ आलोक टंडन के मुताबिक सीएमआरएस से जांच पूरी होने के बाद नवम्बर तक मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया और बिना नक्शा पास कराए गए 28 दुकानें बना दी गई। इन अवैध दुकानों को बनाने में 54 लाख रुपए खर्च हुए। अब सरकार बदलने पर इन अवैध दुकानों को तोड़ा गया है, साथ ही सरकारी पैसे की रिकवरी की भी करवाई जा रही है। यह अवैध निर्माण साल 2015 में हुआ था। उस वक्त हाजी रियाज अहम कैबिनेट मंत्री थे और उनकी बेटी जिला पंचायत पीलीभीत की अध्यक्ष थी। इस दौरान इस अवैध निर्माण की शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और पूर्व जिला पंचायत सदस्य रमा गैरोला ने अवैध निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब हाईकोर्ट की कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए। आलोशी केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार कर ली है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में राजेश और नुपुर तलवार को बरी करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। देवरिया में हुए बालिका गृह कांड को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर बालिका गृह संचालिका गृजा त्रिपाठी को देवरिया के सांसद कलराज मिश्रा की बहन बताया गया है, जिस पर अभद्र कमेंट किए जा रहे हैं। इससे नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी से मुलाकात कर रामपुर कारखाना थाने में तहरीर दी, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायकों ने वृद्धाश्रम पर छापेमारी की। छापेमारी में वृद्धाश्रम में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ। यहां सवासिनियों और बुजुर्ग लोगों को बासी और खराब खाना परोसे जाने का आरोप है। इसकी शिकायत करने पर उन्हें आश्रम से बाहर निकालने की धमकी दी जाती है। बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा और मानवेंद्र सिंह वृद्धाश्रम की हालत पर हैरानी जाहिर की है और अनियमितता के मामले में वृद्धाश्रम के स्टाफ को फटकार भी लगाई। इस आश्रम में 27 बुजुर्ग महिलाएं और 45 पुरुष रहते हैं। इस वृद्धाश्रम को चलाने वाले एनजीओ दीप जनकल्याण समिति को 18 लाख का अनुदान मिला है लेकिन इसका कहीं कोई हिसाब नहीं है। विधायकों ने समाज कल्याण अधिकारी पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मामले को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। गाजीपुर में जिला प्रशासन ने प्रभात कुमार विकास समिति आश्रय गृह पर छापेमारी की। दौरान आश्रय गृह में 2 महिला और 1 बच्ची मिली, जबकि आश्रय गृह के रजिस्टर में कुल 5 नाम दर्ज थे। प्रबंधक ने अन्य 2 लोगों को पुनर्वासित बताया लेकिन वो कहां गई हैं इसका कोई लेखा जोखा नहीं था। प्रशासन ने संस्था को सील कर दिया है। प्रबंधक सूर्यनाथ यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई जांच के दौरान जुलाई 2017 में भी संस्था को अवैध पाए जाने पर बैन कर दिया गया था। फैजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। बदमाशों के पास से एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल और 303 बोर का देसी तमंचा मिला है। इनके पास से एक कार भी मिली है। बताया जा रहा है कि बदमाश एक डॉक्टर की हत्या करने के फिराक में थे। श्रावस्ती में चोरी के शक में पकड़े गए एक युवक को भीड़ ने जमकर पीटा। इस युवक पर जिला अस्पताल में लोगों की जेब काटने का आरोप है। गुस्साई भीड़ ने इसे पकड़कर खूब पीटा। भीड़ ने इस युवक के कपड़े फाड़ दिए। मौके पर मौजूद कुछ लोग इसका वीडियो बनाने में लगे रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से इसे छुड़ाया। मुजफ्फरनगर में चोरी के आरोप में गांव वालों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। मामला छपार थाना क्षेत्र का है, जहां ग्रामीणों के मुताबिक विकास अपने खेत पर काम कर रहा था कि तभी उसे कुछ लोग चोरी करते हुए दिखाई दिए। विकास ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसकी पिटाई कर दी।
आगरा में दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। गैंगरेप की वारदात 7 अगस्त की है। पीड़ित का कहना है कि जीतू ठाकुर उसके दोस्त उसे अगवा करके हसनपुर गांव ले आए, उसके साथ गैंगरेप किया। ग्रामीणों ने गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ लिया था और उनकी पिटाई भी की थी। इस दौरान किसी ने वीडियो बना लिया। आरोपियों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। पीड़ित महिला के पति ने 7 अगस्त को एतनाउद्दौला थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पत्नी की बरामदगी के बाद पुलिस ने बलात्कार और दलित उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। मऊ के सरायल खंसी इलाके में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक फर्जी सीओ को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी सीओ बनकर पैसे की डिमांड कर रहा है। महिला की शिकायत पर स्थानीय थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रहे हैं। फर्जी सीओ बने युवक को पैसे देने के लिए महिला ने सरायल खंसी थाने के पास बैंक पर बुलाया था। युवक जैसे ही बैंक पर पहुंचा तो महिला के साथ में क्राइम ब्रांच ने युवक से पूछताछ करते शक होने पर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक अमरजीत सिंह फर्जी सीओ बनकर नौजवानों और महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देता था। आरोपी ने पीड़ित महिला को गोरखपुर जनपद में रेलवे में क्लर्क के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और उससे 2 लाख रुपयों की डिमांड की, जिसमें महिला ने फर्जी सीओ के झांसे में आकर 80,000 रुपए दे दिए थे। बहराइच की थाना नवाबगंज पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस पर अपहरण के बाद बरामद हुए एक नाबालिग को परिजनों से नहीं मिलने देने का आरोप है। यहां 16 जुलाई को नाबालिग का अपहरण हुआ, 3 दिन बाद बरामद किया गया, लेकिन अब उसे परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा। बच्चे के परिवार वालों का कहना है कि इन सब इंस्पेक्टर पप्पू यादव उन्हें बेटे से मिलने नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि उन्हें पैसे लेकर बच्चे को भूल जाने की बात कही जा रही है। बच्चे के दारोगा पर आरोपियों से पैसे लेकर उन्हें बचाने का भी आरोप लगाया गया है। मऊ में पुलिस ने फर्जी और अश्लील सीडी बेचने डाउनलोड करने वाले दुकानदारों के ठिकानों पर छापा मारा है। इस अभियान के तहत शहर कोतवाली क्षेत्र के एक दुकान से अश्लील वीडियो की सीडी का जखीरा मिला है। पुलिस ने इस दौरान दुकान के मालिक को भी अरेस्ट किया है। मऊ पुलिस को कई दिन से अश्लील सीडी के अवैध कारोबार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद डीजीपी के निर्देश पर छापेमारी का अभियान चलाया गया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान आगे भी चलते रहेंगे। इलाहाबाद पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधी एक थाने में टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। काफी दिन से शहर के व्यापारियों के साथ ही दूसरे लोगों के साथ कई आपराधिक घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाशों में मार्बल कारोबारी को जान से मारने की धमकी देने वाला भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 रिवॉल्वर, 2 तमंचा, कारतूस और 5 देसी बम बरामद किए हैं। बिजनौर की नगीना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही बदमाशों पर पहले से ही कई धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 32 बोर का तमंचा, 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस और खोखे बरामद किए हैं। विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के सभापति पुष्पराज जैन फरुखाबाद पहुंचे। पुष्पराज जैन ने कई विभागों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया को कार्यक्रम से दूर रखा गया। इस दौरान उन्होंने सूबे में 800 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराने का दावा किया, लेकिन उन्होंने अवैध कब्जेदारों का नाम नहीं बताया। महराजगंज में एक एटीएम हैकर को अरेस्ट किया गया है। पकड़ा गया युवक रोमानिया का नागरिक है। इस पर एटीएम को हैक कर पैसे चुराने का आरोप लगा है। शख्स के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने 7 अगस्त को लुकआउट नोटिस जारी किया था। गोरखपुर में रेलवे स्टेशन के पास एक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह कार ओला की थी। देखते देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त कार का ड्राइवर सवारी उतारकर खाना खाने जा रहा था। 15 अगस्त को देखते हुए लखनऊ पुलिस अलर्ट है। पुलिस जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस ने हजरतगंज, गौतमपल्ली और हुसैनगंज इलाके में बने होटल की चेकिंग भी की। बारिश के मौसम में स्वाइन फ्लू और डेंगू जैसी बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही अस्पतालों में अलग से डेंगू और स्वाइन फ्लू के वार्ड बनाने के आदेश दे दिए गए हैं।
आगरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी की मौत से दुखी होकर अपने बच्चों समेत जहर खा लिया, जिसमें पति और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। दो बेटे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। 15 दिन पहले मानसिंह की पत्नी की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई थी। घटना के बाद ही मानसिंह काफी परेशान था। इलाहाबाद में सीबीएसई पैटर्न के 15 से ज्यादा प्रिंसिपलों की बैठक हुई। इस बैठक में बच्चों की सहूलियत और उनकी सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई, साथ ही कई फैसले भी लिए गए। बैठक में देवरिया शेल्टर होम में हुई घटना की चर्चा हुई, जिसमें मासूम बच्चियां यौन शोषण का शिकार हुई हैं। बैठक में फैसला लिया गया कि छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए कई और कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में पॉलिथीन पर बैन लगाने का विरोध हो रहा है। यहां व्यापारियों ने पॉलिथीन बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने पॉलिथीन पर बैन के फैसले को सरकार का तुगलकी फरमान करार दिया और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी अपने पास पड़े स्टॉक को कहां ले जाए। उनके पास प्लास्टिक की क्रॉकरी, बर्तन, कप, प्लेट का स्टॉक पड़ा हुआ है। खुदरा व्यापारियों के पास ही बहुत सारा स्टॉक है। व्यापारियों ने कहा कि वो छोटे व्यापारियों की वसूली के बाद ही जीएसटी का भुगतान करेंगे। शामली में लोगों ने नदियों में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री पर बैन लगाने के फैसले का स्वागत किया है। लोगों ने एनजीटी के आदेश को बड़ा कदम बताया। उनका कहना है कि यहां कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनका दूषित पानी जिले से निकल रही छोटी बड़ी नदियों को प्रभावित करता है, जिसका असर यहां पर रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। बहराइच में रेबिस का केस सामने आया है। यहां 65 साल के एक बुजुर्ग को सालों पहले कुत्ते ने काट लिया था, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। 65 साल का ये बुजुर्ग अचानक ही कुत्तों जैसी हरकत करने लगा, जिसके बाद उसे इलाज के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बाद में लखनऊ रेफर कर दिया गया। ललितपुर में हिरण के तालाब में डूबने से मौत हो गई। हिरण को आवारा कुत्तों ने घेर लिया था, जिसके बाद उसे जान बचाकर भागने के दौरान ही तालाब में डूब गया, उसकी मौत हो गई। बदायूं में तेज रफ्तार डीसीएम ने कावड़ी से भरी टाटा मैजिक को टक्कर मार दी। डीसीएम की टक्कर से टाटा मैजिक खाई में गिर गई, जिसमें करीब 25 कावड़ी जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। देवरिया में दुधेश्वर नाथ मंदिर में ड्यूटी पर जा रही महिला पुलिस कांस्टेबल को टेम्पो ने टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी बाइक पर सवार थे। हादसे में महिला कांस्टेबल का पैर फ्रैक्चर हो गया, वहीं पुरुष कांस्टेबल को भी चोट लगी है। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।